गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अवर फोर चैप्टर नेगेटिव सेंटेंसेस. स्टूडेंट, आई विल टीच यू अबाउट द नेगेटिव सेंटेंसेस इन दिस चैप्टर. तो बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अ नेगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच हैज़ नो और नॉट इन इट. वो सेंटेंसेस जिसमें हम नॉट और नो होते हैं हमारे, वो हमारे होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस. देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग अ नेगेटिव सेंटेंस. देखिए, हमारे पास कई तरीके हैं जिससे हम नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं. फर्स्ट, व्हेन द वर्ब इज सम फॉर्म ऑफ बी. बी वर्ब की फॉर्म्स जो होती हैं, जैसे कि एम, इज, आर, वॉज, वर. वी पुट नॉट आफ्टर द वर्ब टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव. जिनमें हमारे बी वर्ब यानी कि एम, इज, आर, वॉज, वर होते हैं, तो हम उनको नेगेटिव बनाने में क्या करते हैं, उसमें क्या पुट करते हैं, एम, इज, आर, वॉज, वर के बाद नॉट, और वो हमारे बन जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस. यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे आई एम ग्लैड. अब इसको नेगेटिव बनाना है तो एम है, एम के बाद हम क्या बना लगा देंगे, नॉट. आई एम नॉट ग्लैड. ही इज़ एक्साइटेड फॉर द मैच. इसको नेगेटिव करने के लिए हम इस के बाद क्या लगा देंगे, नॉट. ही इज़ नॉट एक्साइटेड फॉर द मैच. इसी तरीके से इन सभी सेंटेंसेज में हमने वॉज, आर और वर के बाद क्या लगाया है, नॉट. अब देखिए, व्हेन द वर्ब इज हैज़, हैव और हैड. इफ़ अ सेंटेंस कंटेन हैज़, हैव और हैड, वी यूज डू नॉट, हैव, डज नॉट हैव और डिड नॉट हैव टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव. अगर हमारे सेंटेंस में हैव, हैज़ और हैड होता है, ऐसे सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए हम उसमें यूज़ करते हैं, जैसे हैव में डू नॉट हैव, हैज़ के साथ डज नॉट हैव और हैड के साथ डिड नॉट हैव. एग्जाम्पल देखिए, आई हैव अ बिग मैंशन. तो अब इसमें हैव है तो हो जाएगा आई डू नॉट हैव अ बिग मैंशन. शी हैज़ अ स्कूल नेम्ड आफ्टर हर. अब इसमें हैज़ है तो हम डज का यूज़ करेंगे, शी डज नॉट हैव अ स्कूल नेम्ड आफ्टर हर. दे हैड अ टेस्ट यस्टरडे. अब इसमें हैड है तो दे डिड नॉट हैव अ टेस्ट यस्टरडे. नेक्स्ट देखिए, व्हेन द वर्ब इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स. अगर हमारे वर्ब दो या दो से ज़्यादा शब्दों से बने होते हैं, वी पुट नॉट आफ्टर द फर्स्ट वर्ड टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव. तो हम फर्स्ट वर्ब के बाद ही नॉट लगा के उसको नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं. देखिए, वानी इज जंपिंग ऑन द ट्रैम्पोलाइन. अब देखिए, इसमें इज और जंपिंग दोनों ही वर्ब हैं, तो हम पहले वर्ब के बाद नॉट लगा के इसको नेगेटिव बना देंगे. वानी इज नॉट जंपिंग ऑन द ट्रैम्पोलाइन. द पार्सल हैज़ अराइव्ड. अब इसमें हैज़ और अराइव्ड दोनों ही वर्ब हैं, तो द पार्सल हैज़ नॉट अराइव्ड. अब लास्ट देखिए, टू मेक सर्टेन इम्पेरेटिव सेंटेंसेज नेगेटिव. इम्पेरेटिव सेंटेंसेज को हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं, वी पुट डू नॉट और डोंट इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस और जस्ट बिफोर द वर्ब. अब इसमें हम पहले स्टार्टिंग में या फिर वर्ब से पहले हम क्या लगा देंगे, डू नॉट या डोंट. जैसे वॉक ऑन द ग्रास, तो डू नॉट वॉक ऑन द ग्रास. प्लीज़ लीव योर शूज़ आउटसाइड. अब इसमें प्लीज़ डू नॉट लीव योर शूज़ आउटसाइड. तो स्टूडेंट, यहाँ मैंने आपको समझाया, अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं. जैसे कि मैं अभी हमने पढ़ा था, आई एम ग्लैड, इसको नेगेटिव बनाना है तो एम के बाद क्या लगा देंगे हम, आई एम नॉट ग्लैड. ओके, दे हैड अ टेस्ट यस्टरडे. हैड के साथ मैंने आपको बताया था, हाँ, तो स्टूडेंट हैड के साथ मैंने आपको क्या बताया था, डिड नॉट हैव, तो वह हम हो जाएगा दे डिड नॉट हैव अ टेस्ट यस्टरडे. ओके, नेक्स्ट है मानसी कैन जंप. इसमें कैन और जंप दोनों ही, देखिए अब इसमें बन जाएगा हमारा मानसी कैन नॉट जम्प हाई. वॉक ऑन द ग्रास, ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो हम इससे पहले लगा देंगे डू नॉट वॉक ऑन द ग्रास. लास्ट है आई हैव मनी, तो इसमें हम बना देंगे आई हैव, नॉट तो कुछ अलग लगेगा इसलिए हम लगाएंगे आई हैव नो मनी. तो स्टूडेंट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड द चैप्टर. थैंक यू.